हेलो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक सिंह एंड आई हैव सिक्योर्ड गेट ऑल इंडिया रैंक 101 इन गेट 2020, द यूनिवर्सिटी इनोवेशन सेल ऑफ मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर हैज़ इनवाइटेड मी ऑन देयर प्लेटफॉर्म टू शेयर सम टिप्स एंड स्ट्रेटजी रिगार्डिंग गेट एग्जाम प्रिपरेशन. ऑल्सो आई विल शेयर माई प्रिपरेशन जर्नी एंड क्लियर योर डाउट्स एंड क्वेरीज related to gate exam preparation. So let's start with the first query. Sir, how to start from scratch being in third year? तो मैंने भी अपना preparation second year fourth sem के बाद जो break होते हैं उसमें start किया था. मैंने coaching materials ली थी और handwritten notes order मंगवाए थे. तो आप या तो स्टैंडर्ड बुक्स या तो हैंड रिटन नोट्स या कोचिंग मटेरियल किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं. आप नोट्स को पढ़िए, खुद का नोट्स बनाइए, फार्मूला डेरिवेशन करिए, शॉर्ट नोट्स उसमें से बनाइए. एक बार एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करिए. सब्जेक्ट सीक्वेंस में आप पहले सोम स्टार्ट कर सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल. सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल ही है, तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं. उसके नोट्स बनाइए, उसके क्वेश्चंस पहले आप अगर कोचिंग मटेरियल आपने लिए तो उस कोचिंग मटेरियल के बुक से सॉल्व एग्जांपल्स लगाइए या तो स्टैंडर्ड बुक्स के एग्जांपल्स लगाइए. उसके बाद वो सब्जेक्ट ख़त्म होने पे प्रीवियस ईयर गेट के प्रीवियस ईयर या इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर दोनों लगाइए. उसके बाद आप एनालिसिस करिए कि आपका कॉन्सेप्ट कहाँ पे वीक है. उस कॉन्सेप्ट के शॉर्ट नोट्स बनाइए. शॉर्ट नोट्स में आप फार्मूला, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं. एक सब्जेक्ट ख़त्म होने के बाद आप टेस्ट सीरीज के टेस्ट लगा सकते हैं. सिंगल सब्जेक्ट टेस्ट जो होते हैं वो लगाइए. तो इस तरह एक सब्जेक्ट ख़त्म होने के बाद आप फिर दूसरे सब्जेक्ट पे जाइए. तो पहले तीन या चार सब्जेक्ट्स के मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ, उसके बाद आप कोई भी सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं. पहला सब्जेक्ट आप सोम उठाइए, उसके बाद आप जियोटेक उठा सकते हैं क्योंकि जियोटेक में सोम के प्रिंसिपल स्ट्रेस के कुछ टॉपिक्स यूज़ होते हैं, तो आप जियोटेक उठा सकते हैं. उसके बाद आप एनवायरनमेंट उठाइए. तो ये तीन सबसे इम्पॉर्टेंट गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट्स भी हैं और इन तीनों को कवर करना सबसे इम्पॉर्टेंट है. फिर आप इसके आगे कोई भी सब्जेक्ट उठा सकते हैं, किसी भी सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं है. बट वन बाई वन एक एक सब्जेक्ट को करिए. एक बार में तीन चार सब्जेक्ट्स मत उठाइए. एक बार पूरा सिलेबस ख़त्म होने के बाद आप मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट और फुल सिलेबस टेस्ट दे सकते हैं. तो आइए अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. How to prepare for GATE in this lockdown period? What are reliable online sources for preparation? If I decide to go for an ear drop, then which institute is best? तो इस लॉकडाउन पीरियड में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि नोट्स, कोचिंग मटेरियल या बुक्स, तो आप उससे पढ़ाई कर सकते हैं. कोई आपके पास काफ़ी टाइम मिल चुका है. अगर मैं मान के चलूँ आप थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में हैं तो दो महीने लॉकडाउन को हो गए और मे बी एक महीने और चले, एक महीने तक कॉलेज ना खुले, तो तीन महीने काफ़ी होते हैं कुछ सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए. तो आप सेल्फ प्रिपरेशन से कंप्लीट कर सकते हैं. ऑल्सो रिलायबल ऑनलाइन सोर्सेज में मैं बताऊँगा कि अनअकैडमी पे रिसेंटली मेडिजी के बेस्ट फैकल्टी जसपाल सिंह सर ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप उनके वीडियोस देख सकते हैं. एनवायरनमेंट काफ़ी बढ़िया उन्होंने पढ़ाया था और बिल्डिंग मटेरियल, एनवायरनमेंट,
और भी सब्जेक्ट्स, वो शायद अनअकैडमी पे सारे सब्जेक्ट्स वही पढ़ा रहे हैं, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। या तो मेडिजी के कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आया है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आप 1 ईयर ड्रॉप, मुझे नहीं लगता है कि इस बार अगर आप दिल्ली जाके 1 ईयर ड्रॉप लेना चाहें तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि कोचिंग बेसिकली जुलाई से पहले अब नहीं खुलने वाले हैं, तो आपका घर पे रह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही पढ़ाई करना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि गेट और ईएस नेक्स्ट 2021 के गेट और ईएस टाइमली ही होंगे, अभी उसके बारे में आप नहीं सोच सकते हैं कि वो लेट होंगे, इसीलिए आपके पास टाइम ज़्यादा बचा नहीं है। जून आने वाला और 6 से 7 महीने बचे हैं, इसीलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही आप ज्वाइन करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर थर्ड क्वेश्चन है, सर व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी एंड व्हाट आर सम कॉमन शॉर्टकमिंग्स दैट यू वुड लाइक द अपकमिंग एस्पिरेंट्स टू बी अवेयर ऑफ। तो मैंने 4th सेम के बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, मैंने मेडिजी की मटेरियल मंगाया था, तो उससे मैंने सोम स्टार्ट किया था पहले। उसके बाद मैंने स्ट्रक्चर एनालिसिस स्टार्ट किया था, लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए थे, मैं खुद से पढ़ाई करने खुद से कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर नहीं होते थे। उसके बाद मैंने सॉइल उठाया, नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए, प्रीवियस ईयर सॉल्व किए, और यही मेरी शॉर्टकमिंग थी कि फार्मूलाज मुझे टिप पे नहीं थे, प्रीवियस ईयर मैंने टाइम पे कंप्लीट नहीं किया था, कैलकुलेशन एक्यूरेसी ये कुछ नहीं थे, कॉन्सेप्ट्स वीक थे, जो भी कॉन्सेप्ट्स हार्ड लगे मैं छोड़ते गया उसे, मुझे लगता था कि ठीक है कुछ कॉन्सेप्ट्स से ही मैं क्लियर कर सकता हूँ, बट ये मेरी शॉर्टकमिंग एक तरह से थी कि मैं ये नहीं सोचा कि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। आप ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ठीक है इसी टॉपिक से आएगा या इसी चैप्टर से आएगा, तो जो आसान टॉपिक्स थे मैंने केवल वही कवर किया था, डिफ़िकल्ट टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट्स मैं छोड़ दिया था, इसीलिए फाइनल ईयर में मेरी रैंक सही नहीं हुई थी। ऑल्दो मैंने क्वालिफाई कर लिया था बट रैंक काफ़ी बेकार थी, इसीलिए फाइनल ईयर के बाद जब मैंने ड्रॉप लिया मेडिजी से, तो मई में मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद जैसे जैसे कोचिंग में सब्जेक्ट्स कवर होते गए, वैसे वैसे मैंने अपने रिवीजन करता गया अपना, कोई अपना सीक्वेंस नहीं बनाए, टोटली कोचिंग को फॉलो किया, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए, उसके प्रीवियस ईयर लगाए, एट द एंड दिसंबर में कोचिंग ख़त्म हुई, उसके बाद सेल्फ स्टडी, सेल्फ रिवीजन, टेस्ट एनालिसिस, यही मेरी स्ट्रेटजी थी, और फिर मैंने गेट क्रैक किया। शॉर्टकमिंग दैट यू वुड लाइक अपकमिंग एस्पिरेंट्स टू बी अवेयर ऑफ, ज़्यादातर एस्पिरेंट्स मैं देखता हूँ कि फार्मूलाज उन्हें नहीं याद होता है, फार्मूलाज आपके टिप पे होना चाहिए, कुछ लोग होते हैं कि कुछ फार्मूला आपको नहीं याद हो रहा है तो वो उसके डेरिवेशन देख लेते हैं, डेरिवेशन आसान है ठीक है एग्ज़ाम में डिराइव कर लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में इतना प्रेशर होता है कि आप छोटे से छोटा फार्मूला भी टाइम में नहीं डिराइव कर पाएंगे, इसीलिए सारे फार्मूलाज आपके टिप पे होने चाहिए, और प्रीवियस ईयर आप कम से कम 3 बार लगाएं, प्रीवियस ईयर लगाते टाइम आप टाइम बाउंडेशन रखें कि ठीक है 2 मिनट में एक क्वेश्चन करूँगा, 3 मिनट में एक क्वेश्चन करूँगा, या अगर ESC के प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं तो 1 मिनट सफिशियंट, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह आप 1 घंटे में 60 क्वेश्चन, 1 घंटे में 30 क्वेश्चन गेट के ये टारगेट सेट कर सकते हैं। एक बार प्रीवियस ईयर लगा लिए चैप्टर की, तो उसको चेक करिए, एक्यूरेसी चेक करिए खुद की, एटलीस्ट 80% से 90% एक्यूरेसी ESC के प्रीवियस ईयर में रहनी चाहिए, और गेट के प्रीवियस ईयर में अबव 90% रहनी चाहिए, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अगर इससे कम है तो आप फिर से कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए, फिर प्रीवियस ईयर लगाइए। जो क्वेश्चन आपके नहीं सॉल्व हो रहे हैं या जो गलत सॉल्व हो चुके हैं उनको स्टार मार्क करिए, उसको नेक्स्ट राउंड में जब दूसरी बार प्रीवियस ईयर आप लगा रहे हैं तब उसे फिर से सॉल्व करिए, और फिर अपनी एक्यूरेसी चेक करिए। एक्यूरेसी सबसे इम्पॉर्टेंट है गेट में, इसीलिए एक्यूरेसी चेक करना आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जब टेस्ट आप दे रहे हो, टेस्ट देने के बाद उसे एनालिसिस करिए, एनालिसिस में
आराम से आपके 1 से 2 घंटे लग जाते हैं अगर 3 आवर के पेपर को आप एनालिसिस कर रहे हैं तो। एक बार एनालिसिस कर लें, उसमें अपने मिस्टेक्स खोजिए, सिली मिस्टेक्स के से कितने क्वेश्चंस गलत हुए, कितने मार्क्स कटे। मोस्टली मेरे 70-80 मार्क्स जो नेगेटिव हुए या जो क्वेश्चंस गलत हुए वो सिली मिस्टेक्स से ही होते थे। तो आप लिखिए क्या गलती थी, इवन अगर अपने फॉर्मूले में स्क्वायर लगाना भूल गए या डेटा गलत उतार लिया, आप उसको अपने लैंग्वेज में लिखिए, हिंदी इंग्लिश किसी में भी लिखिए कि मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में स्क्वायर लगाना मैं भूल गया था या डेटा मैंने गलत उतार लिया था या मुझे फार्मूला नहीं याद आया। तो ये ऐसे एनालिसिस की जाती है टेस्ट की। तो मिस्टेक्स अपने लिखिए, मार्क्स लिखिए कितने मार्क्स आपने लूज़ किए सिली मिस्टेक से, और फिर अगले टेस्ट में उसे सुधारिए। अगले टेस्ट देने के 5 मिनट पहले आप सारे जो टेस्ट एनालिसिस किए हैं, जो भी मिस्टेक्स आपने लिखे उसको ध्यान में लाइए, उसे याद करिए और फिर अगले टेस्ट में उसे सुधारने की कोशिश करिए। यही सब मेनली शॉर्टकमिंग्स होती है एस्पिरेंट्स में जो ये क्लियर नहीं कर पाते हैं गेट। अंबुज त्रिपाठी सर, प्री का रैंक बता दीजिए। प्री में रैंक नहीं आती है यार। सर मोहम्मद सादिक सर, आई आस्क दैट फॉर गेट और ईएससी वी आर स्टडी वेरी सेलेक्टिव और होल सिलेबस। इंजीनियरिंग सर्विसेज में सिलेबस पूरा कवर करना ज़रूरी है। आप यूपीएससी काफ़ी वास्ट सिलेबस देता है और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि किस सब्जेक्ट से या किस टॉपिक से इस साल क्वेश्चन आने वाले हैं, इसीलिए आप सेलेक्टिव मोड पे नहीं जा सकते हैं, आप बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसीलिए होल सिलेबस कवर करना ज़रूरी है। वाय प्रतीक श्रीवास्तव, वाय शॉर्ट नोट्स आर इम्पॉर्टेंट। अगर आप एक सब्जेक्ट ख़त्म कर चुके हैं तो उसके सब्जेक्ट्स काफ़ी बड़े होते हैं, जैसे सोम आपने पढ़ा होगा या जियोटेक पढ़ा होगा, तो अगली बार अगर आप रिवीजन करने जा रहे हैं तो रिवीजन करते टाइम आप फिर से पूरे नोट्स तो नहीं पढ़ सकते हैं, उसमें काफ़ी टाइम लगेंगे, इसीलिए कुछ जल्दी में ख़त्म करने के लिए शॉर्ट नोट्स होते हैं। उस शॉर्ट नोट्स में सारे फार्मूले, एक एक फार्मूले होने चाहिए, फार्मूले में जो भी टर्म्स यूज़ हो रहे हैं अगर आप भूलते हैं तो उस टर्म को भी लिखिए, कुछ कॉन्सेप्ट्स जो आप भूलते हैं उसे भी लिखिए, अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं हिंदी इंग्लिश, और कुछ क्वेश्चंस टेस्ट में जो क्वेश्चंस आपसे गलत हुए या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी शॉर्ट नोट्स में डालिए। शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने का कोई नंबर नहीं है कि हाँ 2 बार कर लिया 3 बार कर लिया तो हो जाएगा, जितना भी टाइम मिले शॉर्ट नोट्स सारा रिवाइज होना चाहिए, जितनी बार रिवाइज हो सके, फॉर्मूलाज एकदम टिप पे होने चाहिए, आपको शॉर्ट नोट्स का एक एक पेज याद रहना चाहिए कि हाँ इस पेज पे ये लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू रिमेंबर एवरी पॉइंट ड्यूरिंग एग्जाम्स एंड नॉट टू जंबल अप द थिंग्स इन द माइंड एंड ऑल्सो हाउ टू हैंडल एग्जाम प्रेशर एंड यूज इट इफेक्टिवली। तो मैंने बताया कि सारे पॉइंट्स को रिमेंबर करने के लिए शॉर्ट नोट्स सबसे ज़रूरी है, शॉर्ट नोट्स को आप रिवाइज करिए जितना भी हो सके, एग्ज़ाम प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में जब भी आप एग्ज़ाम प्रेशर आपको लगे, आप अपने टेस्ट को याद कीजिए, जैसे कि आपने टेस्ट में परफॉर्म किया था बस वैसे ही आपको एक टेस्ट की तरह ही लेना है इस मेन एग्ज़ाम को भी, अपने टेस्ट के रिजल्ट्स को याद करिए, अगर आपने उसमें अच्छा परफॉर्म किया तो डेफिनेटली आप इसमें भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, When should we start our preparation? ये मैंने आंसर कर दिया है। Is coaching necessary for preparation of gate? Can't we do it ourselves? Would it be helpful? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कोचिंग प्रिपरेशन के लिए, आप सेल्फ प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। आप खुद को एनालाइज करिए कि कॉन्सेप्ट आप बुक पढ़ के या नोट्स पढ़ के ग्रैब कर सकते हैं या नहीं, अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल आप सेल्फ प्रिपरेशन करिए, खुद के नोट्स बनाइए और प्रीवियस ईयर लगाइए। मैंने यही गलती की थी, मुझे लगा था कि मैं कॉन्सेप्ट्स खुद से ग्रैब कर सकता हूँ लेकिन
मेरे कॉन्सेप्ट्स वीक थे, मैंने सेल्फ प्रिपरेशन ही की थी, मैंने कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में, तो मेरे कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हुए थे। मुझे लगा था कि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जा रहे हैं, सेल्फ एनालिसिस नहीं की थी मैंने खुद की, तो इसीलिए मैं मेरे सही मार्क्स या रैंक नहीं आए थे गेट 2019 में। प्लीज़ गिव सम सजेशंस अबाउट ऑनलाइन प्रिपरेशन, ये मैंने आपको बता दिया है। कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे गेट फोरम, अनअकैडमी, मेडीजी, आप कोई भी एक ले सकते हैं और उससे प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मोहम्मद सादिक, फॉर दीज एग्जामिनेशन डीप स्टडी आर रिक्वायर्ड और नॉट? नहीं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करना है आपको, किसी भी टॉपिक में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम जो मांगता है केवल वही पढ़िए, आप यहाँ रिसर्च करने नहीं आए हैं, तो इसीलिए केवल सेलेक्टिव टॉपिक्स को सही से पढ़िए, डीप स्टडी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसमें। हाउ डिड यू मैनेज थिंग्स व्हेन जस्ट 1 month लेफ्ट फॉर गेट एग्ज़ाम? तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्री 5th Jan को ख़त्म हुए, उसके बाद गेट था आपका 9th Feb को, तो ESE ख़त्म होने के बाद मैंने 2 दिन का ब्रेक लिया। उसके बाद मैंने अपने शॉर्ट नोट्स उठाए, शॉर्ट नोट्स पूरा रिवाइज किया, फिर प्रीवियस ईयर गेट के लगाए, ये करते आपका 15th Jan हो गया था। 15th Jan के बाद मैंने अपने बेसिक नोट्स, जो क्लासरूम नोट्स थे वो उठाए, जो टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट्स मेरे वीक थे या जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस गलत हो रहे थे उनको पढ़ा, और 17th Jan से मैंने टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया था। पहले मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट जिसमें 2 या 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट, और एडमिट कार्ड आपका अराउंड ESE के अराउंड ही आ जाता है गेट का एडमिट कार्ड, तो आपको पता चल जाता है कि आपका कौन सा स्लॉट है। सिविल में जैसे सिविल मैकेनिकल में 2 स्लॉट होते हैं सुबह के शाम के, तो आपको पता चल जाता है कि ठीक है 2 से 5 मेरा शाम का स्लॉट था, तो मैं मेनली उसी टाइम में एग्ज़ाम अपने टेस्ट देता था 2 से 5 के बीच ही, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगले नेक्स्ट 20 डेज़ आपको उसी टाइम पे टेस्ट देना है, ताकि एग्ज़ाम के दिन कुछ नया ना लगे, रोज़ की तरह ही बस लगे कि आप एक टेस्ट ही देने जा रहे हैं। तो आप बेसिकली अपने स्लॉट के अकॉर्डिंगली टेस्ट दीजिए, लेकिन रोज़ टेस्ट दीजिए। और मैंने केवल एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी मेडीजी की, और उसमें 12 फुल टेस्ट थे, मैंने सारे फुल टेस्ट दिए। उसमें आपके मार्क्स कितने हैं, एक टेबल बनाया, उसमें मार्क्स कितने हैं, कितने गलत हुए या कितने सिले मिस्टेक्स थे, क्या मिस्टेक्स थी, सारे लिखिए, टेबल बनाइए, प्रीवियस टेस्ट से कंपेयर करिए कि आपका परफॉर्मेंस कैसा था, सही नंबर बढ़े कि नहीं, या सिले मिस्टेक्स कम हुए कि नहीं। उसमें रिमार्क्स लिखिए कि ठीक है इसमें कम हो गए या और ज़्यादा हो गए, कैलकुलेशन गलत हो गया, तो ऐसे आप टेस्ट को हैंडल करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, अभी हम थर्ड ईयर में हैं, सारे सब्जेक्ट भी कंप्लीट नहीं हैं, गेट या ESE के लिए प्रिपरेशन किस तरीके से करें? ये मैंने बता दिया कि थर्ड ईयर से ही स्टार्ट करने की ज़रूरत है, उसके बाद आप करेंगे तो लेट हो जाएगा। टेल मटेरियल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, तो मैं पहले आपको स्टैंडर्ड बुक्स के नाम बता देता हूँ कुछ, जैसे सोम में UC जिंदल, स्ट्रक्चरल में रामारुथम, जियोटेक में गोपाल रंजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जियोटेक की, इसे आप ज़रूर सॉल्व करिएगा, इसके सॉल्व एग्जांपल ESE में 2019 में से 2 क्वेश्चन आए थे इसके सॉल्व एग्जांपल से, तो ये काफ़ी अच्छी बुक है। FM में RK बंसल, और हाइड्रोलिक्स में आप मोदी एंड सेठ ले सकते हैं। RCC में पुनमिया, एंड एनवायरनमेंट में SK दुग्गल। इसके अलावा जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए स्टैंडर्ड बुक्स की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इन सब्जेक्ट्स के लिए भी स्टैंडर्ड बुक्स की कोई खास ज़रूरत है नहीं। मेडीजी या IAS मास्टर के आप मटेरियल मंगा सकते हैं, उसमें प्रिसाइज फॉर्म में सिलेबस को पूरा कवर किया जाता है, तो वो पढ़ना ज़्यादा सही रहेगा।
गुड मॉर्निंग सर, थर्ड ईयर के शुरू में कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, या कोचिंग के बजाय ऑनलाइन लेक्चर और स्टडी पैकेज मंगाना काफ़ी रहेगा? थर्ड ईयर गोरखपुर में जैसे आप देख सकते हैं कि 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन वो भी प्रिपरेशन के लिए सही नहीं है। अब तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल हैं काफ़ी अनअकैडमी के, तो आप वो ले सकते हैं और उसमें ऑनलाइन लेक्चर देके खुद के नोट्स बना सकते हैं। तो या तो पैकेज मंगा सकते हैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, या हैंड रिटन नोट्स मंगा सकते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा बल्कि ऑफलाइन कोचिंग गोरखपुर में करने से। सर, फॉर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग वी आर लर्न ऑल कोड डेटा एंड कोडल प्रोविजन। आप जब बुक से पढ़ रहे होंगे या किसी कोचिंग मटेरियल से पढ़ रहे होंगे, तो उसमें कुछ ही कोडल प्रोविजन दिए होंगे डिज़ाइनिंग में, एनवायरमेंट में, जैसे टैंक डिज़ाइनिंग हो गया या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का डिज़ाइनिंग हो गया, तो वो आपको बिल्कुल याद करने हैं। ESC में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, और मेंस में डिज़ाइनिंग के क्वेश्चन रहते हैं, और तो आपको याद करने पड़ेंगे। RCC के कोडल प्रोविजन भी आपको याद करने पड़ेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं गेट में, ESC में, या तो मेंस में, तो आपको कोडल प्रोविजन बिल्कुल याद करने पड़ेंगे, एकदम टिप पे होना चाहिए। व्हाट टिप्स वुड यू गिव टू अस फॉर द मिस्टेक यू हैव फेस्ड इन योर प्रिपरेशन। मैंने अपने पहले प्रिपरेशन में, जो मैंने थर्ड ईयर से स्टार्ट की थी, यही मिस्टेक मैंने किया था कि मैं खुद को समझ नहीं पाया था कि मैंने सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट की। मुझे लगा कि मैं कॉन्सेप्ट खुद से समझ लूँगा, बट यही मेरी गलती थी। कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर नहीं हुए थे और इसीलिए मेरे कम मार्क्स आए थे। तो आप खुद को एनालाइज करिए कि आप कॉन्सेप्ट खुद से क्लियर कर सकते हैं या आपको कोचिंग की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग ही आप डिसाइड करिए कि आपको कोचिंग करना है या सेल्फ स्टडी करनी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिलेबस इज सो वास्ट, प्लीज़ टेल रिवीजन स्ट्रेटजी। तो मैंने आपको बताया कि शॉर्ट नोट्स बनाइए, प्रीवियस ईयर लगाइए शॉर्ट नोट्स, जितना आप रिवाइज करेंगे उतना बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ये मैंने पहले आंसर कर चुका है। सर, नोइंग द फैक्ट दैट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दोज 3 आवर ऑफ पेपर, हाउ शुड वन डील विद एग्जाम हॉल प्रेशर। उस एग्ज़ाम हॉल प्रेशर को कम करने के लिए ही हम टेस्ट देते हैं। आप फुल सिलेबस टेस्ट जितना कवर करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा आपको। आप अपना फुल सिलेबस दीजिए, उसके नंबर्स को एनालाइज करिए। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, अगर प्रेशर, जैसे कि एंट्री कुछ ही देर पहले हो जाती है, तो उसमें प्रेशर लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप काम डाउन होइए, अपने टेस्ट को याद कीजिए, उसमें जो गलतियाँ की थी उसे माइंड में लाइए और सोच लीजिए कि इस बार गलती नहीं करनी है, ये आपका फाइनल एग्ज़ाम है। प्रेशर लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक बार एग्ज़ाम शुरू हो जाता है तो उसके बाद आप फिर अपने फ्लो में हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चन है, शुड वी स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर गेट फ्रॉम फर्स्ट ईयर, विच टाइम इज़ बेस्ट फॉर। मैं बताना चाहूँगा कि जो जूनियर्स आए हैं फर्स्ट ईयर में, उन्हें अभी प्रिपरेशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी आप 12th से पढ़ के आए हैं या एक ड्रॉप लेके आए हैं, अभी आपने मेहनत की है, तो कुछ दिन रुकिए या एक साल रुकिए, एटलीस्ट एक साल आपको रुकना चाहिए। खुद को एक्सप्लोर करिए, कॉलेज एक्सप्लोर करिए, थोड़ी फ्रेंड्स बनाइए, सीनियर से इंटरेक्शन करिए, बोर्ड सोसाइटीज़ के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करिए। अभी एक साल आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए, ना कि पढ़ाई में। अभी से थोड़ा माइंड रिफ़्रेश करिए, आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर में आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कोई इसका फ़ायदा नहीं होता है। इसीलिए आप पहले खुद को एक्सप्लोर करिए, अपनी हॉबीज़ डिसाइड करिए। सर, RCC कैसे पढ़ें? RCC में बेसिकली आपके डिज़ाइनिंग के स्टेप्स होते हैं, उसके नोट्स आप मंगा सकते हैं, मेडिजी के नोट्स मंगा सकते हैं, उसमें से आप डिज़ाइनिंग के नोट्स पढ़िए, नोट्स को लिखिए और स्टेप्स फॉलो करिए बस। RCC में ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, केवल डिज़ाइनिंग के स्टेप्स होते हैं, आपको बस वो याद रहना चाहिए और कोडल प्रोविजंस याद रहने चाहिए।
हर्ष उपाध्याय सर प्रीवियस ईयर सफिशियंट है या और कुछ करना चाहिए? गेट के लिए प्रीवियस ईयर और टेस्ट सीरीज़ मेरे ख्याल से सफिशियंट है। अगर आप और भी लगाना चाहते हैं या अगर आपके पास टाइम है तो आप स्टैंडर्ड बुक्स के सॉल्व एग्जांपल लगा सकते हैं, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो प्रीवियस ईयर और टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस सफिशियंट हैं अच्छी रैंक लाने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉट काइंड ऑफ बुक्स वी फॉलो दैट वी कैन गेन सक्सेस इन गेट एग्जाम। मैंने आपको स्टैंडर्ड बुक्स के कुछ नाम बता दिए हैं और कोचिंग मटेरियल्स भी बता दिए हैं। वॉट इज़ द मिस्टेक दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ गेट ESE और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम? मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिस्टेक यही करते हैं कि लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है, क्वेश्चंस वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, फार्मूला याद हो जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, उन्हें लगता है कि ठीक है कोई भी क्वेश्चन आए हम कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे फ्लो में नहीं आएंगे, आपको नहीं पता चलेगा कौन सा फार्मूला कहाँ पर अप्लाई करना है, इसीलिए प्रैक्टिस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला के लिए। और फिर रिवाइज़ करिए, शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ नहीं करते हैं, फार्मूला टिप पे होना चाहिए, टेस्ट नहीं देते हैं, टेस्ट की एनालिसिस सही से नहीं करते हैं, अपनी मिस्टेक्स नहीं लिखते हैं, यही सब बेसिकली आपको सही मार्क्स दिला सकता है गेट में या ESE में। वॉट इज़ योर मिस्टेक दैट यू मेड ड्यूरिंग प्रिपरेशन? मैंने बता दिया कि वही कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर नहीं थे, सबसे मेन आपके कॉन्सेप्ट ही होते हैं गेट में। हाउ टू स्टडी सोम स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड RCC, ये तीनों सब्जेक्ट्स आपस में रिलेटेड हैं, बल्कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस और RCC सोम पे ज़्यादा डिपेंड है, इसीलिए पहले आप सोम ख़त्म करिए बुक से या नोट से या ऑनलाइन लेक्चर से भी ख़त्म कर सकते हैं, मैंने बुक के नाम बता दिए हैं। पहले सोम ख़त्म करिए, सोम पे आपका पूरा ग्रिप जब आ जाएगा तभी आपके स्ट्रक्चरल एनालिसिस के क्वेश्चंस लगेंगे। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है स्ट्रक्चरल एनालिसिस में, क्वेश्चंस उसके काफ़ी अच्छे आते हैं। और RCC में डिज़ाइन ओरिएंटेड है तो स्टेप्स फॉलो करिए और बस स्टेप्स और कोडल प्रोविजंस के चेक लगाइए, बस यही होता है RCC में। इन हाउ मैनी मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन कैन वन क्रैक गेट विद अ गुड रैंक? ये मैंने आपको बता दिया है कि आप थर्ड ईयर से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, इससे ज़्यादा टाइम लेंगे फाइनल ईयर में जाते जाते स्टार्ट करेंगे तो फिर काफ़ी लेट हो जाएगा, क्योंकि फाइनल ईयर में आपके पास ज़्यादा टाइम रहता भी नहीं है, केवल 7 या 8 महीने बाद आपके गेट स्टार्ट होने वाले रहते हैं, और इतने कम टाइम में आपको पूरा से थोड़ा मुश्किल होगा। गुड मॉर्निंग सर, NPTEL लेक्चर्स कैसे हैं गेट ESE के लिए? NPTEL लेक्चर्स कुछ जैसे जियोटेक और एनवायरनमेंट के मैंने कुछ लेक्चर्स देखे थे, क्योंकि एनवायरनमेंट डिज़ाइनिंग ओरिएंटेड था तो थोड़ा समझ नहीं आता था, इसीलिए NPTEL के लेक्चर्स देखे थे। वो थोड़े स्लो होते हैं और वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं होते हैं, उनको BTEC के सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करना होता है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं होते, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा डेटाज भी होते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी, लेकिन अगर आपके पास टाइम काफ़ी है तो आप देख सकते हैं, अगर टाइम नहीं है या टाइम कम है तो आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करिए। सौम्या यादव सर, कौन से कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ बेस्ट है? आप किसी भी एक का ले सकते हैं, या मेड इजी हुआ, IAS मास्टर हुआ, या ACE अकेडमी हुआ, तीनों ही सही हैं। एटलीस्ट 2 के टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए, मैंने केवल 1 के लिए थे क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। इस साल कोचिंग के क्लासेस अराउंड 15 दिसंबर ख़त्म हुए थे, तो उसके बाद ESE की प्रिपरेशन करनी थी और उसके बाद गेट की प्रिपरेशन करनी थी, इसीलिए टाइम नहीं था, तो मैंने केवल मेड इजी के ही टेस्ट सीरीज़ सॉल्व किए थे। अगर आपके पास टाइम है तो बिल्कुल एटलीस्ट 2 टेस्ट सीरीज़ ज़रूर सॉल्व करिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, कैन बी सिक्योर डिसेंट रैंक्स बाय डूइंग सेल्फ स्टडी? ये मैंने आपको आंसर कर दिया सर। प्लीज़ टेल अबाउट क्वेश्चन अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी।
तो गेट 180 मिनट का होता है, उसमें 65 क्वेश्चंस होते हैं, 30 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के और 35 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ठीक है दो नंबर के हैं ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, पहले दो नंबर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। दो नंबर के क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट रहते हैं, काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट भी कभी कभी यूटिलाइज हो जाते हैं, इसीलिए आप पहले एक नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करिए, एटलीस्ट 40 मिनट में आप उसे ख़त्म कर दीजिए, जितने भी 30 क्वेश्चन हैं एक नंबर के, आपको आए या ना आए उस पर ज़्यादा टाइम मत दीजिए। 40 मिनट के बाद आप दो नंबर के क्वेश्चन पे जा सकते हैं। 40 मिनट आपके चले गए मतलब 140 मिनट्स बचे, 140 मिनट्स 35 क्वेश्चन मीन्स 4 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन आपके लिए सफिशेंट होगा। दो नंबर के क्वेश्चन 4 मिनट में करना, कुछ क्वेश्चन 2 मिनट के, एक मिनट दो नंबर के 1 मिनट में भी हो जाते हैं, कुछ 5 से 6 मिनट में भी लेते हैं, तो इसीलिए एवरेज आप 4 मिनट लेके चल सकते हैं। दो नंबर के क्वेश्चंस को आप पूरा सॉल्व करिए, पूरा जो क्वेश्चंस ना आए उसे उस पर अटकिए मत, उसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट राउंड पे आके कर सकते हैं। क्या पता आपको अभी फार्मूला नहीं क्लिक कर रहा हो या कॉन्सेप्ट नहीं क्लिक कर रहा हो, इसीलिए आप एक फ्लो में जाइए, सेकंड राउंड में आइए, जो क्वेश्चंस छूट गए हैं दो नंबर के वो अटेम्प्ट करिए और एक नंबर। हाउ मच डज हॉस्टल एनवायरनमेंट इंटरफेयर विद प्रिपरेशन ऑफ गेट और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम? आई वॉज डे स्कॉलर, मैं डे स्कॉलर था तो इसीलिए मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि हॉस्टलर हो या डे स्कॉलर अपने कॉलेज से हर साल किसी भी सेक्टर में, या वो नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम हो या वो टेक्निकल एग्ज़ाम हो, स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स से आते हैं, तो हॉस्टल इन्वायरमेंट का आपके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है और आपको अपने गोल को अचीव करना है, इसीलिए हॉस्टल इन्वायरमेंट या घर के इन्वायरमेंट से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। व्हाट्स मोस्ट क्रूशियल रिक्वायरमेंट टू स्कोर गुड इन गेट? गेट केवल 100 मार्क्स का होता है और इसमें एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक या दो मार्क्स से भी आपके रैंक 100 से 150 से ज़्यादा डिफर कर जाते हैं, इसलिए एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट है। जितना एक्यूरेसी रहेगी उतने अच्छे मार्क्स या उतने अच्छे रैंक आ सकते हैं। प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए, फ्लो में होना चाहिए, और बाकी मैं डिस्कस कर चुका हूँ स्ट्रेटेजी की, कैसे अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस या सब्जेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए प्रिपरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इनफ टू क्रैक गेट और वी हैव टू गो थ्रू डिफरेंट बुक्स फॉर क्वेश्चन? ये मैं बता चुका हूँ आपको। व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर गेट? मैं जब फर्स्ट ईयर में आया था तो फिर पता चला कि यहाँ से सिविल का प्लेसमेंट कोई खास है नहीं, मतलब उस साल शायद सिविल की कंपनी कोई आई भी नहीं थी। सेकेंड ईयर तक जाते जाते मुझे एक बात क्लियर हो गई कि मुझे गेट या ESE देना ही पड़ेगा। सेल्फ एनालिसिस की कि कैट या GRE इस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट था नहीं, और मुझे लगा कि टेक्निकल फील्ड ही लेना सही रहेगा, टेक्निकल एग्ज़ाम ही देने रहेंगे, तो इसीलिए मैंने गेट या ESE की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। व्हाट आर द प्रॉफिट्स दैट वी कैन गेट बाय गेट एग्ज़ाम? गेट से मेनली PSUs रिक्रूट करती है और IITs में आप रिसर्च या MTech कर सकते हैं, IISc में जा सकते हैं, मेनली यही प्रॉफिट होता है गेट एग्ज़ाम का। सर CGPA कितना है ये मैटर करता है? नहीं, CGPA बिल्कुल मैटर नहीं करता, आप CGPA 7 मेंटेन रखिए, क्योंकि कुछ PSUs 7 मांगती हैं, 7 से ज़्यादा कोई PSU नहीं मांगती है, 7 से कम ही, मोस्टली 6.5 ज़्यादातर PSU 6.5 ही मांगती है, बट टू बी ऑन सेफर साइड आप 7 CGPA मेंटेन करिए और अपनी प्रिपरेशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। हिमांशु प्रधान, सर शुड वी प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स और कोचिंग मटेरियल? आप जहाँ से भी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, जहाँ से भी वो चैप्टर पढ़ रहे हैं, पहले वहाँ से आप सॉल्व्ड एग्जांपल लगाइए। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टैंडर्ड बुक से
सोम या जियोटेक पढ़ रहे हैं तो पहले उसके सॉल्व एग्जांपल लगाइए, फिर आप कोचिंग मटेरियल लगा सकते हैं और प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, प्लीज़ इफ़ यू कैन टेल हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स इन न्यूमेरिकल्स। मैंने बताया आपकी सिली मिस्टेक्स जो भी हो रहे हैं, जिस भी क्वेश्चन में हो रहे हैं, उसको आप एक पेज पे लिखिए या शॉर्ट नोट्स की कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिए कि यहाँ पे ये सिली मिस्टेक्स हुए हैं। जो भी सिली मिस्टेक्स हैं, कि आप डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दिए या कैलकुलेटर में आपने मिस्टेक कर दी डेटा फीड करने में, जो भी मिस्टेक हो रहे हैं आप लिखिए और उसको बार बार रिवाइज करते रहिए, तो आपके सिली मिस्टेक्स कम होंगे। अभिनंदन मिश्रा, एवरेज CGPA देखते होंगे या हर सेमेस्टर के? वो फाइनल CGPA ही देखते हैं, हर सेमेस्टर से कोई मतलब नहीं होता है उनका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपेयरिंग फॉर गेट एंड ESE बोथ इज इफेक्टिव और वी शुड चूज वन ऑफ देम बिफोर स्टार्टिंग आर प्रिपरेशन। दोनों इफेक्टिव है, बल्कि सिविल में गेट में आपको PSUs काफ़ी कम रहती हैं, इसीलिए मोस्टली लोग ESE की प्रिपरेशन करते हैं। ESE की प्रिपरेशन करते टाइम आप जब टेक्निकल कवर करते हैं तो उसमें गेट के सारे टॉपिक्स, सारा सिलेबस कवर हो जाता है, इसीलिए आप मेनली ESE की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ESE में जो पेपर वन होता है नॉन टेक्निकल, उसमें 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके आप बुक या हैंड रिटन नोट्स किसी भी कोचिंग मटेरियल के मंगा सकते हैं, उसको आप पढ़ते रहिए, उसमें अंडरलाइन करिए, और मेनली ESE की प्रिपरेशन ही करनी चाहिए। गेट उसमें अपना कवर हो जाता है, और गेट के प्रीवियस ईयर और टेस्ट दीजिए, आपका गेट क्रैक हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू टैकल बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड कन्वेंशनल इन टेक्निकल इन ESE, हाउ टू प्रिपेयर फॉर GS विद टेक्निकल सब्जेक्ट्स इन ESE। GS आपके 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, GS के आप बुक्स मंगाइए, कोचिंग मटेरियल लीजिए या वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। GS में आप क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके नोट्स या आपके बुक से नहीं होते हैं, आपको ऑप्शंस मेनली एलिमिनेट करने होते हैं। जितना ज़्यादा आप बुक्स को पढ़ेंगे, मटेरियल जो भी आपने प्रेफर किया जितना ज़्यादा उससे पढ़ेंगे, उतना ही आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने में आसानी मिलेगी। और रही बात ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल की, तो आप ऑब्जेक्टिव ESE प्रीवियस ईयर लगाइए, सारे क्वेश्चंस लगभग 25-25 ईयर्स प्रीवियस ईयर आते हैं, तो आप वो लगाइए, आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं ESE में। ESE में बेसिकली आपको थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो आप लगाइए, कर लीजिए, उसके बाद आप कन्वेंशनल लगा सकते हैं। तो पहले प्री पे ही ध्यान देना है आपको, उसके बाद आप प्री के बाद अगर प्री में क्वालिफाई कर लिए तो आप कन्वेंशनल पे जा सकते हैं। सर सजेस्ट एनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर ESE और गेट, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सर मैथ इज़ ऑल्सो इन गेट, प्लीज़ फोकस ऑन इट एंड हाउ टू कवर इट। मैथ्स में आपको सिविल में मेनली लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस का पार्ट ज़्यादा पूछता है, तो आप वो पढ़ सकते हैं, आपको किसी स्टैंडर्ड बुक की ज़रूरत नहीं है इसमें, आप कोचिंग मटेरियल पे ही प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद उसके सॉल्व एग्जांपल या प्रीवियर लगाइए, एक बार आपके सिविल के प्रीवियस ईयर ख़त्म हो जाए तो आप मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के भी प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रहना चाहिए कि सिलेबस आपको देखना है मैथ्स का, इलेक्ट्रिकल का थोड़ा सिलेबस वास्ट होता है मैथ्स का, इसीलिए आपको सारे क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं, केवल सिविल के सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही लगाने हैं। हाउ टू स्टे मोटिवेटेड थ्रू आउट। मोटिवेशन आपको अपने गोल से ही लगेगा, आप अपना गोल सेट करिए कि ठीक है मुझे 2-digit रैंक लानी है या मुझे अंडर 50 ले आनी है, तो आपको मोटिवेशन वहीं से मिलेगा।
और आपको ये नहीं, प्रिपरेशन में कभी नहीं सोचना है कि ठीक है मैं इस साल अगर नहीं कर पाया तो अगले साल क्या करूँगा। जब तक आप गेट या ESE ना दे लें आपको अगले साल का सोचना ही नहीं है। एक बार आप गेट या ESE दे लेंगे आपके पास काफ़ी टाइम रहेगा अगले साल के लिए सोचने के लिए। इसीलिए आप अपने गोल पे ज़्यादा फोकस करिए, अपने रैंक पे ज़्यादा फोकस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, कोचिंग दिल्ली से ही ज़रूरी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन कोचिंग के लिए जा रहे हैं तो मान लीजिए आप गोरखपुर से बाहर लखनऊ में जा सकते हैं या फिर दिल्ली में जाएंगे। अगर लखनऊ में जा ही रहे हैं तो इससे अच्छा है कि आप दिल्ली जाके प्रिपरेशन करिए, क्योंकि लखनऊ के कोचिंग्स में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल MedEasy आपने ज्वाइन किया तो वहाँ सारे मेन फैकल्टीज़ नहीं सब्जेक्ट्स लेते हैं, कुछ न्यू फैकल्टीज़ भी सब्जेक्ट्स लेती हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेनली आपके पुरानी फैकल्टीज़ ही आपके क्लासेस लेते हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज रेलवेज इज नॉट नाउ नॉट अ पार्ट ऑफ ESE, सो वॉट विल बी द चेंज इन डिफिकल्टी लेवल एंड हाउ टू। जैसे कि आप सब लोग को पता है कि रेलवेज अब एक अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, IRMS एक नई सर्विसेज बन गई है, इसका एग्ज़ाम UPSC ही कंडक्ट कराएगा और अभी तक इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि इसके प्री में आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा सकते हैं नॉन टेक्निकल फील्ड में। जैसे ESE की प्रीवियस पैटर्न था, जो GS आता था ESE में, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी ये क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चंस GS में आते थे अराउंड 2016 के पहले, तो हो सकता है उस पैटर्न पे प्री हो सके। और मेंस आपका मेनली मेंस केवल आपका टेक्निकल ही रहेगा, जैसे अभी मेंस होता है मेंस तो वैसा ही रहेगा। प्री में ही कुछ चेंजेस आ सकते हैं, डिफ़िकल्टी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी आप, तो इसकी चिंता मत करिए और प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग करिएगा। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड यू ज्वाइन एनी कोचिंग फॉर गेट इन कॉलेज टाइम, फ्रॉम विच ईयर यू स्टार्टेड? तो नहीं, मैंने कोई भी कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी, क्योंकि मुझे लगता है मेरे काफ़ी बैचमेट्स ने कोचिंग ज्वाइन की थी, बट मुझे पता था कि मैं कोचिंग अगर ज्वाइन कर लिया तो कुछ भी नहीं पढ़ पाऊँगा, क्योंकि कॉलेज के बाद टाइम ज़्यादा बचता नहीं था तो रिवीजन भी ज़रूरी है, इसीलिए मैंने कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी। सर कॉलेज के सामने वाली कोचिंग कितनी वर्थ इट है? कॉलेज के सामने वाली कोचिंग बिल्कुल मत ज्वाइन करिए। अब आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छे अवेलेबल हैं, आप वो ज्वाइन करिए। गोरखपुर में कोई भी कोचिंग वर्थ नहीं है गेट के प्रिपरेशन के लिए। क्वेश्चंस, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन कमिंग फ्यूचर आफ्टर दिस कोरोना पेंडेमिक? इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी रिसेंटली UPPSC में असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज निकली थी, वो आपके फाइनल ईयर के लिए नहीं थी, लेकिन इन फ्यूचर भी अब उम्मीद कर सकते हैं कि वैकेंसीज ईयरली निकलती रहेंगी। और अभी रिसेंटली BPSC में भी असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट आई थी, झारखंड में भी असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट आई थी, तो अब सारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन्स के पोस्ट निकल रहे हैं, आप उम्मीद कर सकते हैं कि अब ईयरली ये पोस्ट निकलेंगे। सिविल की मोस्टली वैकेंसीज गवर्नमेंट सेक्टर में ही होती है, ना कि पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में,
आप उम्मीद कर सकते हैं कि सारी स्टेट गवर्नमेंट्स अब वैकेंसीज रिलीज करेंगी। कोरोना पेंडेमिक से उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो डिड यू ज्वाइन एनी कोचिंग फॉर गेट, ये मैंने कवर कर दिया है। What was your syllabus status? How were you feeling? How much time you devoted for practices? Syllabus, मेरा syllabus 10th या 15th December के अराउंड कम्प्लीट हुआ था और मैं रिविज़न करते रह रहा था जो भी पहले सब्जेक्ट्स ख़त्म हो रहे थे, क्योंकि आप एंड पे नहीं रिलाई कर सकते कि ठीक है जब कोचिंग ख़त्म होगा या जब मैं सारा सब्जेक्ट्स कवर कर लूँगा फिर मैं रिविज़न स्टार्ट करूँगा। आप एक सब्जेक्ट्स कवर कर लिए उसके बाद अगले सब्जेक्ट पे जब जा रहे हैं तो प्रीवियस सब्जेक्ट जो आपने कवर किया उसको रिवाइज करते रहिए, उसके शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते रहिए, उसके फॉर्मूलेस आप याद करते रहिए। ऐसे ही जैसे नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आप गए तो फिर प्रीवियस सब्जेक्ट्स को रिवाइज करते रहिए, आप एंड पे रिलाई नहीं कर सकते। तो मेरी स्ट्रेटजी यही थी कि जब मैंने बस प्रीवियस ईयर लगाए थे, ESE के प्रीवियस ईयर मैंने दो से तीन बार लगाया था, गेट के मैंने पूरे 3 बार प्रीवियस ईयर ही आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से पता चलता है कि आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं गेट या ESE में। बल्कि ESE में आपके क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं प्रीवियस ईयर से भी, या गेट के कुछ क्वेश्चंस भी जो 1 नंबर के होते हैं वो ESE में आ जाते हैं, तो दोनों काफ़ी इंटर रिलेटेड होते हैं, तो आपको दोनों के प्रीवियस ईयर लगाने चाहिए। मैं कुछ आपको टिप्स देना चाहूँगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कैटेगरी के होते हैं और फिर वो जब प्रिपरेशन करते हैं कोई भी एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो जैसे, उसमें उनको रिजर्वेशन मिलता है, तो आप कभी भी ये सोच के प्रिपरेशन मत करिए कि ठीक है आपको रिजर्वेशन मिला है तो मैं थोड़ा कम पढ़ूंगा, या ठीक है मेरे टारगेट 150 रैंक, गेट में 150 या 200 रैंक भी अगर आ गया तो मैं अपने कैटेगरी का यूज़ करके अंडर 100 के बराबर हो सकता हूँ। आपको बिल्कुल टारगेट अपना सेट करना है कि ठीक है मैं अंडर 100 की ही प्रिपरेशन करूँगा, बाद में अगर इन केस मेरा एग्ज़ाम ख़राब हो गया या वो दिन मेरा सही नहीं था तो आप अपनी कैटेगरी का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कैटेगरी का आपको ऐसे ही यूज़ करना है, रिजर्वेशन का ऐसे ही यूज़ करना है कि ठीक है अगर मेरा एग्ज़ाम ख़राब हो गया या वो दिन नहीं सही रहा तब वो मेरे यूज़ में आएगा। आपको ऐसे नहीं यूज़ करना है कि मैंने, मेरे पास कैटेगरी है तो ठीक है मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ूंगा, दो नंबर के क्वेश्चन आएंगे छोड़ सकता हूँ फिर भी मेरा सही रैंक आ जाएगा। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको टारगेट करिए 2 डिजिट रैंक, इनकेस आपका एग्ज़ाम ख़राब चला गया तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप अपना रिजर्वेशन यूज़ कर सकते हैं। देन और क्वेश्चंस तो अब नहीं हैं। सर प्लीज़ टेल अस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश एंड GS इन रेलवे, SSC और एनी अदर स्टेट एग्ज़ाम्स। सारे एग्ज़ाम्स में इंग्लिश और GS पूछे ही जाते हैं, गेट अगर छोड़ दिया जाए तो जो भी आप ESE हुआ या CIL मैंने दिया था उसमें भी GS था, और DMRC हो गया, UPMRC, सारे पेपर्स में इंग्लिश और GS के क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप उसको भी धीरे धीरे कवर करते रहिए। अब जैसे UPPSC में असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसी आई है उसमें इंग्लिश तो नहीं है लेकिन GS के सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो ये भी पढ़ना पड़ेगा। तो आगे आने वाले टाइम में जो भी वैकेंसीज आएंगी सब में GS को प्रेफरेंस दिया जाता है। उसके क्वेश्चन भले कम रहें लेकिन वो डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है, इसीलिए GS आप कवर करते रहिए। आप एक बुक आती है लूसेंट, वो ले सकते हैं। लूसेंट में बेसिकली सारे GS के टॉपिक्स कवर्ड रहते हैं, तो आप उससे पढ़ाई करते रहिए और रिवीजन करते रहिए। सर हेलो सर, आज आप ऑफिस नहीं गए? अभी कोई प्लेसमेंट मेरी हुई नहीं है।
तो अब मैं कुछ मैसेज देना चाहूँगा जूनियर्स के लिए कि आप फर्स्ट ईयर से पढ़ाई, अब फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन के चक्कर में मत पड़िए, पहले खुद को एक्सप्लोर करिए, कॉलेज एक्सप्लोर करिए, खुद को एनालाइज करिए कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, नॉन टेक्निकल फील्ड में या टेक्निकल फील्ड में, आप गेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं या नहीं, गेट या ESE कर सकते हैं या नहीं, या आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं या प्राइवेट जॉब ही लेना चाहते हैं। तो आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में यही एक्सप्लोर करिए, या अगर आपने सेलेक्ट कर लिया कि ठीक है गेट देना है या ESE देना है, तो आप उसके सिलेबस को एनालाइज़ करिए कि ये आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपसे कवर होगा कि नहीं। थर्ड ईयर में आप ज्वाइन करिए, कोचिंग ज्वाइन करिए, या आप मटेरियल भी मंगा सकते हैं। थर्ड ईयर में आपने जो भी सेलेक्ट किया है कि ठीक है मैं इससे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँगा, उसकी प्रिपरेशन आप थर्ड ईयर में स्टार्ट कर दीजिए। थर्ड ईयर और फाइनल ईयर आते आते कंसिस्टेंसी मेंटेन रहनी चाहिए। मैंने कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन की थी, इसीलिए मेरा सिलेबस भी कुछ छूट गया था। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए, फाइनल ईयर आते आते आप स्ट्रेटजी फॉलो करिए और एग्ज़ाम दीजिए, बिल्कुल क्रैक होगा। डीमोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए और अपने टेस्ट के नंबर्स पे भरोसा रखिए। जो आपके टेस्ट में नंबर आते हैं आसपास उसी के अराउंड आपके एग्ज़ाम में भी नंबर आते हैं, भले ही टेस्ट जैसा भी हो, सिंपल हो, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो, एग्ज़ाम में भी आपके रैंक उसी के आसपास आते हैं। तो टेस्ट पे भरोसा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए। तो बस यही सजेशन है मेरा आपको। तो नाउ आई वुड लाइक टू थैंक्स द इनोवेशन सेल, यूनिवर्सिटी इनोवेशन सेल टू प्रोवाइड मी दिस प्लेटफॉर्म सो दैट आई कुड शेयर माई स्ट्रेटजी एंड सम टिप्स एंड आई कुड क्लियर सम क्वेरीज आस्क्ड बाय द जूनियर्स। एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट।